फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज होमवर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मेरे पास मैक्रोमैक्स का E353 मॉडल है और उसका जो टच है हम कैसे फिट करेंगे फ्रेम में, ये वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो अगर आपके पास कोई मैक्रोमैक E353 मॉडल है तो आप देख सकते हैं कि मैं उसका फोल्डर जो है कॉम्बो कैसे फिट कर रहा हूँ। तो मेरे आप इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फोल्डर को लगाना सीखिए मेरे इस वीडियो से। आप घर बैठे फोल्डर लगा सकते हैं। उसका मैंने रियल कॉस्ट का वीडियो बनाया है, वो देखिए उसका रियल कॉस्ट कितना है, ला के आप घर बैठे मोबाइल को लगा सकते हैं इसको कॉम्बो को। तो चलिए देखते हैं मैं मैक्रोमैक E353 का जो फोल्डर है वो कैसे लगा रहा हूँ। आप देखिए, सीखिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फॉर्मवर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये मैक्रोमैक्स का E353 मॉडल है और हमें इसका जो कॉम्बो है इसमें फिट करना है। तो हमें फिट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, सर्किट को पूरा ओपन कर लेना होगा। ये पूरा उसका सर्किट है, ये मैंने इसको पूरा बाहर निकाल दिया है और उसके बाद ये कैमरा है। ये सब बाहर निकालने के बाद ये आपका फोल्डर है, फोल्डर को हमें इसके अंदर फिट करना है। तो ये देखिए इस तरह का इसका इसका फोल्डर आएगा मैक्रोमैक्स E353 का। और यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ होता है इसलिए कि ये चेक करके लगाना होता है। आप भी जब लगाइएगा तो चेक करके लगाइएगा। फिलहाल ये फोल्डर मेरा ठीक है तो मैं इसे फिट करूँगा इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए आपको फिट करने के लिए ये पेस्ट चाहिए T7000 और ये बहुत ही अच्छा पेस्ट है, आप इसका ले सकते हैं। ये ब्लैक में है मेरा और इसमें वाइट में भी आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके जो साइड साइड में है हमें यहाँ पर हल्के हल्के से ये पूरा लगा लेना है ऐसे, जिससे कि ये आपका जो फिटिंग होती है एक नंबर की फिटिंग हो जाएगी। आपका पूरा का पूरा सेट एकदम वर्क अच्छे से करेगा और आपका जो डस्ट है वो डस्ट भी नहीं जाएगा, देख लीजिए। और नॉर्मल क्या है कि जब आपकी फ़िटिंग अच्छी से होगी तो आपका टच भी जो है वो अच्छे से ही वर्क करेगा। तो इसीलिए पेस्ट लगाना पड़ता है। बहुत से लोग हल्का हल्का पेस्ट लगाते हैं क्योंकि बाद में फोल्डर टच निकालने के नियत से, लेकिन आपको फोल्डर टच निकालना नहीं है। ये देखिए मैंने सारे कोनों में मैंने पूरा पेस्ट लगा दिया है। अब हम इस पेस्ट को बंद कर देंगे क्योंकि ये निकलता है बहुत जल्दी जल्दी। अब हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट वायर है इसको देखिए सही से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिटिंग, तो आप इसको फिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको चिपका सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये स्टिकर हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये स्टिकर वारंटी कवर करता है। फिलहाल अब तो हमें फ़िट करना है इसलिए इसका स्टिकर बाहर आ जाएगा। और ये उसके बाद हमें इसको इसमें डालना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, डाल देता हूँ फोल्डर में। और उसके बाद ये फोल्डर जो यहाँ टच है इस टच को हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए ये जो है इसका टच यहाँ पे निकाल डालने वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको केयर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टच का हिस्सा जो है ये बेल्ट वायर जो है ये बहुत हार्ड बेल्ट वायर है क्योंकि थोड़ी क्वालिटी बेस्ड बेल्ट वायर है, इसलिए ऐसा ये है। और ये देखिए उसके बाद ये यहाँ पर आपको डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से हमें पूरा फिट कर देना है और आपको एकदम ध्यान से फिट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है, लगाते वक्त आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा फिट हो गया है, थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे इसके बेल्ट वायर में लग गया है तो हम पूरा इसको निकाल देंगे। ये देखिए और उसके बाद यहाँ पर भी लगा होगा तो निकाल देंगे। अब ये देखिए आपका इस तरह से ये पूरा फिट हो गया है। और फिट होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ये जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद हमें इसकी पूरी सर्किट को इसमें लगा देना है। तो फिलहाल हम सर्किट इसको देख लेते हैं लगा के कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छे से। और सर्किट लगाते वक्त हम पहले इसके डिस्प्ले को लगा लेंगे क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज है डिस्प्ले का, पत्ते का, तो हमें आसानी से फिट करने के लिए पहले इसके डिस्प्ले को इसमें कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। और ये देख लीजिए और नीचे देख लीजिए कहीं पेस्ट तो नहीं लगा है। अब इसको डिस्प्ले को हम यहाँ पर ऐसे फिट कर लेंगे, ये देखिए डिस्प्ले को मैंने इसमें फिट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर सर्किट को लगा देंगे।
तो इसका जो पावर की है, हम पावर की को भी निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो बेल्ट वायर है इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब ये आपका देखिए पूरा फिट हो गया है, कैमरा हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद ये पावर की यहाँ पे हम लगा देते हैं बेल्ट वायर। आपका डिस्प्ले भी फिट हो गया है, फ्रंट कैमरा जो है वो भी आपका लग गया है, और ये यहाँ पर जो बेल्ट वायर है इसको भी हम लगा देते हैं। सब काम करते वक्त आपको बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पत्ते पर है, और पत्ता अगर ब्रेक हो गया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा लगाते वक्त। ये देखिए ये बेल्ट वायर लग गया। अब ये टच का जो हिस्सा है, हम टच का भी हिस्सा लगा देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कहीं कुछ वो नहीं है। ये देखिए ये टच भी लग गया। अब ये बैक कैमरा है, बैक कैमरे को लगा देते हैं। ये देखिए पूरा फिट हो गया है। उसके बाद ये नेटवर्क का जो वायर था जो कि बैक से यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आता है, तो हमें इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये इस वायर की वजह से ही आपका जो नेटवर्क का जो फ्रिक्वेंसी है वो वर्क करेगा, वरना आपका लो नेटवर्क बताएगा। ये वायर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए आपका फिट हो गया। उसके बाद ये आपको सर्किट यहाँ पर है, आपको ये कंप्लीट फिट कर देनी है। ये कंप्लीट होने के बाद आपका देखिए इस तरह से पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। और उसके लिए आपको बताया कि इस पेस्ट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पेस्ट की वजह से ये चिपकेगा आपका, और ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल अवितेश फॉर्मवर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखने के लिए, और उसे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।